सब्सक्राइब टू न्यूटेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। किसान भाइयों, अपने देश में दूध की कभी भी कमी नहीं रही है और ये भोजन के एक मुख्य अवयव के रूप में हमें प्राप्त होता रहा है। सचमुच आज दूध हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरत में शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने से उसकी जरूरतें भी बढ़ी हैं, जिससे दूध के अलग अलग उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ी है। बाजार में दूध की मांग में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने दुग्ध सहकारी आंदोलन पर जोर दिया। इस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में डेयरी सहकारिता का विकास किया गया। सरकार द्वारा किया गया ये प्रयास श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मैनेजमेंट अच्छा हो तो उसमें, अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो उसमें 110% लाभ है। डेयरी फार्मिंग में 50% लाभ और 50% खर्चा है। आने वाले समय में बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए डेयरी फार्मिंग का व्यापार लाभदायक है। इस तरह गुजरात के आनंद में रची गई सहकारिता की एक सफल कहानी। खेती पर आश्रित उन परिवारों के लिए दुग्ध सहकारिता एक नया सहारा बनकर उभरा है। वर्षा की बढ़ती अनिश्चितता तथा फसल उत्पादन पर पड़ने वाले इसके विपरीत प्रभाव के कारण डेयरी विकास किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया है। अभी भी एक लंबी जर्नी हम लोगों को तय करनी है। हम लोगों का ड्रीम है कि 2025 तक अगर किसी किसान के पास 1 लीटर 2 लीटर भी सरप्लस दूध है तो उसको कोई कलेक्ट करने वाला मिले और वो कलेक्ट करके प्रोसेसिंग चेन में, मार्केट चेन में ले आए। डेयरी सहकारिता अपने सदस्यों से 1 लीटर तक की छोटी मात्रा में भी दूध प्राप्त करती है तथा उन्हें दूध की बिक्री करने के लिए एक निश्चित बाजार उपलब्ध कराती है। उत्पादकों से संकलित दूध के मूल्य का भुगतान उनके स्थान पर ही दूध की शुद्धता की जांच करने के बाद कर दिया जाता है। इस प्रकार दूध उत्पादक को उचित कीमत मिल जाती है। डेयरी सहकारिता द्वारा पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम दो पहलुओं पर काम करती है। पहला ये है कि जो भी किसान वहाँ उपलब्ध जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसका इस्तेमाल करें और उसमें जो कमी है पोषण तत्वों की उसमें हम बैलेंसिंग कैसे करें। अभी तक हमने 10 लाख किसानों को हमारे जो कंप्यूटर मॉडल है जिसको इनाफ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसके साथ हमने जोड़ा है और गांव में लड़के लड़कियां जो 10 क्लास पास है वो जाके कंप्यूटर लेकर के किसान के घर घर पे जाके ये डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको एडवाइस देते हैं। इन सेवाओं में घर पहुंचकर पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की बिक्री तथा बेहतर पशु प्रबंधन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दूध उत्पादन के क्षेत्र में पशु आहार का बहुत ही अहम योगदान है। जैसे कि पशु का आहार अच्छा हो, एक तो पशु दूध पैदा ज़्यादा करेगा, फैट अच्छा होगा, उसका खाने का खर्चा कम होगा, उसकी आवक बढ़ेगी। इससे दूध उत्पादन में सहायता मिलती है और लागत कम आती है। वर्तमान में लगभग 1.39 करोड़ टन दूध का उत्पादन डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से किया जाता है। डेयरी सहकारिता का ये सफर कई पड़ावों से होकर आम घरों तक पैकेट में बंद दूध के रूप में पहुंचने लगा। इसके लिए गांवों और कस्बों में सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण किया गया। अब गांवों में एकत्रित दूध के डिब्बों को उसी दिन द्रुत शीतन यूनिट में भेजा जाने लगा। दूध का पहले नैरोगन किया जाता, फिर उसे कूलिंग और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता। इस तरह पौष्टिकता से भरपूर दूध तरुण भारतवासियों तक पहुंचने लगा, जिसमें स्वाद और सेहत का कोई जवाब नहीं। देश में डेयरी सहकारिता के इस प्रयास को अपनाने की वजह से ही ऑपरेशन फ्लड बेहद कामयाब हो पाया। इनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 14.63 करोड़ टन के अनुमानित दूध उत्पादन के साथ भारत 2014-2015 में निरंतर दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला देश बन गया है।
इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया तय की गई। इस परियोजना के तहत छोटे छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में उन्हें एक साथ संगठित किया गया। उन्हें दूध एकत्रित करने वाली एजेंसीज के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। किसानों को संग्रह केंद्रों पर दूध इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस नेक कार्य में अनेक पशु चिकित्सकों एवं स्वयं सेवकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी जो करंट सिचुएशन में जो गाय भैंस रखते हैं, उसको उसके दूध के हिसाब से, उसके बॉडी वेट, उसको फैट प्रोडक्शन के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल स्टेज के हिसाब से कितना खुराक की जरूरत है, ऊर्जा कितनी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फोरस पूरे दिन की कितनी जरूरत है, और आपकी खाने की जो मेथड है उसमें क्या क्या चेंज करना है कि मुनाफा ज्यादा हो और फीडिंग कॉस्ट मिनिमम हो। इन सब की मेहनत रंग लाई और आम किसानों की पहुंच एक विस्तृत बाजार तक हो गई। दूध का उत्पादन बढ़ा और आमदनी में क्रमशः वृद्धि होती चली गई। डेयरी सहकारिता की इस श्वेत क्रांति ने रोजगार और आमदनी के साथ साथ सूखा प्रभावित किसानों को भी एक नवजीवन प्रदान किया।